खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। बिहार में जारी सियासी बयानबाजी के बीच राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण सिंह बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं। सोमवार की शाम दोनों की मुलाकात एक अन्य मार्ग में हुई। दोनों के बीच लगभग एक घंटे तक सीक्रेट मीटिंग चली। सोमवार को ही लैंड फॉर जॉब्स केस में सीबीआई की नई चार्जशीट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम जुड़ा है। ऐसे में नीतीश और हरिवंश की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों कार्यालय से अभी तक इसकी कोई औपचारिक सूचना जारी नहीं की गई है। हालांकि उपसभापति ऑफिस की तरफ से न्यूज़ एजेंसी को बताया गया है कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी। जेडीयू नेता भी इस पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हुई सियासी उलटफेर के बीच इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हरिवंश नारायण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों का करीबी माना जाता है। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि हरिवंश मैसेंजर का काम कर सकते हैं। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर पहले से ही आरोप लगाते रहे हैं कि नीतीश कुमार हरिवंश के रूप में बीजेपी के बीच एक संभावना छोड़े हुए हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।